Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. I am your class teacher Ms. Nabila from Oasis Public School. Let's start our lecture. Today we learn about unit number 4. Unit number 4, keeping clean. बच्चों keeping clean का मतलब है कि खुद को साफ रखना. तो आइए बच्चों सबसे पहले हम इसके keywords पढ़ेंगे. डर्ट, कैविटीज, गम्स, डस्ट. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड क्लीननेस इज हाफ ऑफ फैथ. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निसफ ईमान है, यानी कि हमें खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि सफाई जो है वो आधा ईमान है. चलें अब हम इस यूनिट को पढ़ते हैं. आदिल एंड हिज फ्रेंड आर प्लेइंग इन द पार्क. आदिल और उसका दोस्त पार्क में खेल रहे थे. इट्स गेटिंग डार्क एंड टाइम टू गो होम. रात का अंधेरा हो गया था और घर जाने का वक्त हो गया था. व्हेन आदिल गेट्स होम हिज मदर सेज वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर. जब आदिल घर गया तो उसकी अम्मी ने कहा के अपने हाथ को पानी और साबुन से धो लो. आदिल सेज मदर वाई डू आई हैव टू वॉश माई हैंड्स. आदिल ने पूछा अम्मी जान मैं अपने हाथों को क्यों धो लूँ. मदर सेज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन योर हैंड्स. अम्मी ने कहा कि आपके हाथों में बहुत ज़्यादा डर्ट है. डर्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? गंदगी, यानी कि आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा गंदगी है. आदिल लुक्स एट हिज हैंड्स एंड सेज. आदिल ने अपने हाथों को देखा और कहा यस आई गॉट डर्ट ऑन माई हैंड्स. आदिल ने कहा हाँ मेरे हाथों पे गंदगी है. आई मस्ट वॉश देम. मुझे इनको धोना चाहिए. ही वॉशेज हिज हैंड्स विद सोप एंड वाटर एंड ड्राइज देम विद अ टॉवल. आदिल ने अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोया और तौलिए से उसको साफ किया. डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर. तो बच्चों क्या आप लोग अपने हाथ साबुन और पानी के साथ धोते हैं? आदिल ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ क्लीन. आदिल जो है वो अपने आप को हमेशा साफ रखता है. दैट मेक्स हिम हेल्दी एंड फिट. आदिल अपने आप को इसलिए साफ रखता है ताकि वो सेहतमंद और फिट रहे. इसी तरह बच्चे आप लोग ये देखें, ये एक्टिविटीज़ देखें. आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. मैं अपने दांत रोज़ाना सुबह और शाम साफ करता हूँ. इट डज नॉट मेक कैविटीज़ इन माई टीथ. आपको पता है बच्चों जब आप सुबह उठ के अपने दांतों को साफ करते हैं तो आपके दांतों में कैविटीज़ नहीं होती और ना ही आपके दांतों को कीड़ा लगता है. आई टेक अ बाथ डेली इट कीप्स माई बॉडी क्लीन. जब आप लोग डेली बाथ लेते हो, डेली नहाते हो तो आपकी बॉडी साफ रहती है. आई ट्रिम माई नेल्स वंस अ वीक इट कीप्स माई नेल्स डर्ट फ्री. तो बच्चों जब आप हफ्ते में एक दफ़ा नाखून काटते हैं तो आपके नेल्स में गंदगी नहीं होती. अगर आप लोग अपने नाखून ना काटो तो आपके नेल्स गंदे हो जाते हैं. वी कीप आवर सेल्व क्लीन टू स्टे हेल्दी. हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. क्यों साफ़ सुथरा रखना चाहिए? ताकि हम लोग सेहतमंद रहें. वी कैन कीप क्लीन एंड हेल्दी बाय वॉशिंग हैंड्स, ब्रशिंग टीथ, टेकिंग अ बाथ, क्लिपिंग नेल्स etc. हम कैसे खुद को साफ रख सकते हैं? अपने हाथों को धो के, ब्रशिंग द टीथ, दांतों को साफ करके, रोज़ाना नहा के और अपने नेल्स को काट के. तो बच्चों आज हमने यूनिट नंबर 4 की रीडिंग की, ठीक है. और हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा कि हमें खुद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. जब हम खुद को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, ठीक है बच्चों. तो आपने खुद को साफ़ सुथरा रखना है, आप लोगों ने डेली ब्रश करना है और डेली बाथ लेना है, ठीक है बच्चों. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था यूनिट नंबर 4 की रीडिंग. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को
कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।